नमस्कार। बख्तियारपुर स्थित राम लखन सिंह यादव कॉलेज में इंटर के नामांकन में अवैध वसूली को लेकर छात्रों ने धरना दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा सरकार के नियमों और आदेशों को ताक पर रखकर बिहार सरकार और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तय राशि से अधिक पैसों की वसूली कर रहा है। छात्रों ने कहा कि इसके खिलाफ अनुमंडलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर बिहार बोर्ड तक सूचना दिया गया है और सभी ने कॉलेज प्रशासन पर उचित कार्रवाई की बात कही है। छात्रों ने अविलंब उचित कार्रवाई कर छात्रों से की गई अवैध वसूली को शीघ्र वापस करने और उचित राशि नामांकन में लिए जाने की मांग की है। एमआई प्लस न्यूज से संवाददाता गौरीशंकर प्रसाद की ब्यूरो रिपोर्ट। कभी नहीं आपने उसे बात करी? जी हाँ, बात किए हमने। 2018 के भी बात सर को बताएं कि सर 2018 में यहाँ पे नामांकन लड़की का हुआ था, सभी वर्ग का, SC ST का, 2019 में भी हुआ था, इस बार इतना क्यों लेना है सर? 12 में भी नहीं लिया जा रहा सर, मुख बिंदु पर बात करना। आपका डीओ साहब का लेटर पत्र आ गया है कि साइंस स्टूडेंट का 1100 रुपया जनरल SC ST में 900 रुपया लेना है साइंस विषय में, फिर भी आप 3200-3600 ले रहे हैं नामांकन फीस। बताइए, हम लोग डीओ साहब से भी बात कर रहे हैं तो डीओ साहब सीधा बोल रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन को हमने लेटर दे दिया। राज्य सरकार और राज्य के शिक्षा मंत्री जी को क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में क्यों उनको ये कहना है कि उनका तुरंत पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी डीओ डीएम को कहकर इनका पर कार्रवाई किया जाए और छात्र का पैसा कम किया जाए, जो पैसा लगा उनका पैसा वापस किया जाए। राजभवन और बिहार सरकार जो फीस निर्धारण किया इंटरमीडिएट के लिए 1155 रुपया, लेकिन यह जो राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय का जो प्रिंसिपल के द्वारा या कहे प्रशासन के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा 3500 रुपया, 3900 रुपया और 3200 रुपया फीस लिया जा रहा है, 3800 रुपया लिया जा रहा है। इस मनमानी के खिलाफ हम युवा एकजुट होकर धरना पर बैठने का फैसला लिए हैं। यह कोई मनमानी है? 1155 के बाद जो भी फीस बढ़ाया गया है यह कॉलेज प्रशासन की तरफ से बढ़ाया गया, न कि कोई सरकार का या इंटरमीडिएट काउंसिल का है। यदि आपको गार्डन लगवाना है, AC लगवाना है, फर्निश लगवाना है, इसके लिए बिजली बिल भरना है, आप AC में रहिएगा और उसका बिजली बिल क्या यह गरीब ST दलित छात्र पैसा देगा? इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से पैसा लेना चाहिए, उस सारा पैसा इन गरीब बच्चों से वसूला जा रहा है। इन लोग कोरोना में किस स्थिति में है इसका अंदाज लिया जा रहा है? 35 लिस्ट निकला है, फीस का बजाबते सबका लिस्ट है, यूनिवर्सिटी का लिस्ट इसमें नहीं है, इसमें इंटरन काउंसिल का मामला है, जो कि इंटर काउंसिल का मामला 1155 रुपया है। आप बिहार सरकार का गाइडलाइन 2015 में जो निकला था कि सभी वर्ग का छात्र SC ST छात्र का नामांकन निःशुल्क हुआ था, जो कि 2018-2019 में यहाँ हुआ था फ्री, और BA और PG में भी फ्री हुआ था, और अभी इंटर नामांकन में 12 NS में नामांकन लड़की का फ्री हो रहा है, SC ST लड़का का फ्री हो रहा है। पटना BD कॉलेज का अध्यक्ष रंजन यादव यहाँ भी फ्री हो रहा है, आए हुए हैं, और यहाँ 3200-3600, कॉमर्स विषय में 3900 रुपया में नामांकन, और साइबर कई बला 200 रुपया ऊपर से एक्स्ट्रा लेता है। इतना बड़ा है ना कोरोना महामारी में, कॉलेज प्रशासन खुद का वेबसाइट बनाया हुआ है, उनका कहना है कि हम पर FIR भी हो जाएगा, फिर भी पैसा नहीं कम करेंगे। प्रिंसिपल है वो कर रहे हैं। जी हाँ, अभी खुद DO साहब से हमें बात हुई है, हमने बोला, उन्होंने बोले कि लिखित पत्र हमने प्रिंसिपल को 12 तारीख को दे दिया, आप लोग के पास भी है,
उनको बोलिए। तो हमने कहा कि सर हम लोग बोले भी हैं, कुछ नहीं हम लोग बोले भी हैं, वो कहते हैं कि हम मेरे पास नहीं आया लेटर नहीं। डीओ साहब बोले हैं कि उनका हम जवाब लेते हैं, जवाब ले रहे हैं, आज तक इतना दिन हो गया है बैठे हुए हम लोग। अभी हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे, यदि कॉलेज माफ कर इंटरमीडिएट काउंसिल माफ कर देती है यूनिवर्सिटी तो हम लोग नहीं लेंगे। जब आप 90% बच्चों का एडमिशन ले चुके हैं, 80% बच्चों का एडमिशन हो गया है, फिर आप जो लेटर लिखना समझ रहे हैं, वो पहले ही क्यों नहीं हुआ लेटर लिखा गया जब आप नामांकन स्टार्ट किए थे? अपना अपना एक वेबसाइट बनाया हुआ है राम लखन सिंह कॉलेज, उसी के माध्यम से शुल्क, उसी के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क लिया जा रहा है। इसी इंटर काउंसिल का जो फी है कॉलेज के द्वारा 1155 ही दिया जा रहा है। ये लोग अपना प्राइवेट पोर्टल बनाए हुए हैं जो स्टूडेंट से 3200-3300 लिया जा रहा है। विशेष पैसा तो इनका फंड में ही, कॉलेज फंड में ही जमा हो रहा है, वहाँ तो 1155 ही जा रहा है।